नमस्कार दोस्तों, बुधवार की व्रत कथा कुछ इस प्रकार से है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति का विवाह हुए कई वर्ष बीत गए। विवाह के बाद उसकी पत्नी एक बार अपने मायके गई हुई थी, तो पत्नी के मायके में रहने के कई दिनों बाद उसका पति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए ससुराल पहुंचा। ससुराल में कुछ दिन तक रहने के बाद वह पत्नी को मायके से विदा करने की बात अपने सास ससुर से कहता है। तो बुधवार का दिन होने के कारण उसके सास ससुर ने कहा कि इस दिन बेटी ससुराल से नहीं जा सकती, इस कारण विदाई नहीं हो सकती। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना, अपनी पत्नी को मायके से विदा कराकर अपने घर की तरफ चल दिया। और रास्ते में जाते वक्त पत्नी को बहुत तेज से प्यास लगी, तब पति पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। काफ़ी देर के बाद जब वह पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि पत्नी के पास उसी की वेशभूषा में कोई अन्य व्यक्ति पत्नी के संग बैठकर बातें करता हुआ दिखाई दिया। अब दोनों व्यक्ति आपस में लड़ने लगे। पहले व्यक्ति ने गुस्से में अपने दूसरे व्यक्ति से पूछने लगा कि वह कौन है, क्यों उसकी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा है। फिर आपस में लड़ने लगे। दूसरे व्यक्ति ने भी कहा कि ये मेरी पत्नी है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होने लगी। तब वहाँ पर कोई सिपाही आ गए और इसी से के असली पति के बारे में पूछने लगे। दोनों व्यक्ति को देखकर स्त्री हैरान हो गई, कौन मेरा पति है? तो वह दुविधा में पड़ गई, क्योंकि दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। तो वह पहला व्यक्ति परेशान होकर मन में कहा कि भगवान, ये कैसी आपकी लीला है। तभी आकाशवाणी हुई कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करवाकर नहीं ले जाना चाहिए था। यह सब सुनकर पहला व्यक्ति समझ गया कि यह भगवान बुद्ध की लीला है। फिर वह व्यक्ति बुद्धिदेव से प्रार्थना करने लगा, क्षमा मांगने लगा। फिर फौरन ही बुद्धिदेव अंतर्ध्यान हो गए। अब उस व्यक्ति को अपनी पत्नी मिल गई। तभी से हर दिन बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करने लगे और व्रत करने लगा। ये थी आज की बुधवार की व्रत कथा। हरे कृष्णा। हाँ दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना के चैनल में स्वागत करती हूँ। तो बुधवार के व्रत में शाम को आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं? तो धर्म ग्रंथों के अनुसार बुधवार का व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के बुधवार से शुरू करना चाहिए और इसके लिए 7, 11, 21 बुधवार व्रत का संकल्प लें। आखिरी बुधवार के दिन पूजा पाठ दान के बाद उद्यापन कर दें और बुधवार के दिन व्रत रखने पर जीवन में सुख समृद्धि आती है और समय सही व्यतीत होता है। अब हमें बुधवार के व्रत में क्या खाना चाहिए? तो शाम के समय में आप फलाहार कर सकते हैं अगर आप बुधवार का उपवास करते हैं। बुधवार के दिन व्रत के दौरान एक समय ही खाना ग्रहण करना चाहिए और इस दौरान आप हरी मूंग की दाल का हलवा खा सकते हैं, दही खा सकते हैं। इसके साथ ही काफ़ी लोग जो बुधवार के व्रत के दौरान लोग बुद्ध की पूजा भी करते हैं और बुद्ध को हरा रंग पसंद है, इसलिए लोग बुद्ध को हरे मूंग की दाल, अंगूर, हरी सब्जियां, हरा कपड़ा, साथ ही पके हुए चावल, दही, गुड़ और मिठाई भी चढ़ाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि बुधवार के व्रत में आपको ये सब चीज़ें आप व्रत के दिन चढ़ा सकते हैं। और ये थी खास जानकारी आपके लिए बुधवार के व्रत में, जैसे हरी चीज़ सबसे ज़्यादा खाई जाती है। तो जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और बुधवार के व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो किन लोगों को बुधवार का व्रत करना चाहिए? तो काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता है कि बुधवार का व्रत किन लोगों को करना चाहिए। तो जिन लोगों का कमज़ोर मस्तिष्क वालों को ही बुधवार के दिन उपवास रखना चाहिए। उपवास और व्रत दोनों में बहुत अंतर होता है। मैंने एक वीडियो भी बना रखा, आप उसमें देख सकते हैं। व्रत के अंदर अन्न खा सकते हैं लेकिन उपवास में अन्न बिल्कुल भी नहीं खा सकते, इसलिए आपको बुधवार का व्रत नहीं रखना है, उपवास रखना है। और उपवास के दौरान जो उपवास में खाई जाने वाली चीज़ें हैं उन्हीं को आप खा सकते हैं। और कमज़ोर मस्तिष्क वाले लोगों को ही बुधवार का उपवास इसलिए रखना चाहिए क्योंकि बुधवार का दिन बुद्धि प्राप्ति का दिन होता है और बुधवार के व्रत से बुध ग्रह की शांति तथा धन विद्या व्यापार में वृद्धि होती है। और बहन, मौसी और बुआ की स्थिति, जिन ग्रहों में बहन, मौसी और बुआ की स्थिति ठीक नहीं रहती है तो भी बुधवार का व्रत रख लेना चाहिए। अब हमें बुधवार को किसका व्रत रखना चाहिए यह भी तो पता होना चाहिए। तो इसी प्रकार बुधवार का दिन भगवान गणेश जी की आराधना के लिए समर्पित है। हिंदू धर्म में गणेश जी को विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वह अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं।
माना जाता है कि बुधवार का व्रत करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। श्री गणेश चतुर्थी व्रत सुख समृद्धि यश कीर्ति वैभव चारों तरफ से सफलता देने वाला माना गया है। जीवन में श्री गणेश जी का आशीष पाना है तो चतुर्थी के दिन पूजन के समय उन्हें सिंदूर का तिलक करने के पश्चात स्वयं भी सिंदूर का तिलक करें, निश्चय ही आपको उनकी कृपा जरूर मिलेगी। और हमें काफ़ी चीज़ें जिनमें बुधवार का व्रत जो लोग करते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। एक तो बुधवार के व्रत में आप नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करें, और कुछ लोग भगवान गणेश और बुद्ध देव दोनों के लिए साथ में व्रत करते हैं। कुछ लोग अलग अलग व्रत का पालन करते हैं, लेकिन कुछ लोग गणेश जी का व्रत सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उस दिन भगवान गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहती है। कुछ नियम होते हैं बुधवार के व्रत के, नियम हैं, उन नियमों को फॉलो करना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए कि किन किन लोगों को बुधवार का व्रत करना चाहिए। जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें।